हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनिल फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं। मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का अपना सब्जेक्ट चल रहा है। फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूँ। अच्छा, इसमें मैं फिर से बता देता हूँ कि इसमें ऐसा नहीं है कि चौथा नंबर का है तो वो कम इंपॉर्टेंट रहेगा, पाँचवें का ज़्यादा, सबका इक्वल वेटेज है ना, क्योंकि हर यूनिट से अलग अलग क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं। जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं उनको अंतिम प्रहार में ये दे दूं कि सारे क्वेश्चन जितने भी अंतिम प्रहार के वो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज से हमारा एनालिसिस रहता है कि कौन सा क्वेश्चन करंट ट्रेंड में है, इंटरनल के भी चेक किए जाते हैं, एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक करा जाता है और हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ड्रॉ करते हैं। पिछले लास्ट 5 ईयर्स के पेपर भी आपके एनालिसिस किए जाते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी एनालिसिस किए जाते हैं, न केवल AKTU, RTU, BKTU, गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी, इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी, DAVV, इन सब के, मतलब 12 से 13 यूनिवर्सिटीज़ के हम पेपर निकालते हैं, सेम सब्जेक्ट के निकालते हैं, पिछले 5 साल के निकालते हैं। उसमें फिर पूरा एनालिसिस करके और पूरी टीम बनाती है और फाइनलाइज मैं ही करता हूँ, है ना। तो अगर पेपर नहीं बैठा तो आपको वापस से वही रिक्वेस्ट है, डिटेल वीडियो देख के यहाँ आना। और अभी तक ऐसी सरस्वती माँ की कृपा रही है कि अभी तक 60, 70, 80, 90% के भी ऊपर हमने पेपर इसमें हिट होते हुए देखे। लेकिन फिर भी मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट रहती है कि आप पहले डिटेल वीडियो देखो ताकि कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मिले और अच्छा नॉलेज मिले। तो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से आप देख लेते हैं। चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइन एंड स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ना, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट इसके आंसर दिए हुए हैं। जब हॉरिजॉन्टल ऑर्गेनाइजेशन या वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हॉरिजॉन्टल ऐसा और वर्टिकल ऐसा, इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को फ्लैट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बोला जाता है। कुछ बुक्स के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर केवल उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कही गई है, जैसे लाइन ऑन स्टाफ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है और कुछ बुक्स में अलग मिलेगा, कुछ में अलग मिलेगा, सारी बुक्स का सही है ना, क्योंकि ये एक तरीके का सबका अपना अपना नेचर होता है ऑर्गेनाइजेशन को समझने का, तो उसके अकॉर्डिंग बनाया गया। तो सबसे पहला आपने इस बुक के अंदर जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, जिसमें हायरार्किकल जॉब्स होती है। हायरार्किकल जॉब्स का मतलब क्या है सर, हायरार्किकल जॉब्स का मतलब यह है कि इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ये भी आप इस तरीके से भी ले सकते हो, टॉप मिडिल और लोअर, टॉप मिडिल और लोअर, तो ये एक हायरार्किकल, या आप कह सकते हो ये हायरार्किकल है, ये वर्टिकल है ना। तो ये वाला जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है आपका फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन की श्रेणी के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट होता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में हम हमारे काम के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट को डिवाइड कर देते हैं। लाइक कि कैसे कर देंगे, यहाँ पर देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, सेल्स डिपार्टमेंट अलग, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट अलग, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग, प्रोडक्शन अलग, सेल्स अलग और इनकी टीम अलग, मार्केटिंग का मैनेजर अलग, सुपरवाइजर अलग, लेबर अलग। तो ये सब जब हम वर्क के अकॉर्डिंग अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को डिवाइड करते हैं तो वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। देखिए, डिटेल वीडियोज़ के अंदर हो सकता है ये थोड़ा सा मैंने अलग बताया हो, क्योंकि वो अलग बुक से कोट किया गया था, ये अलग बुक से, दोनों ही सही है ना। तो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग में अगर आपको ये भी समझ में आता है तो यहाँ से लिख दीजिए, डिटेल में मैंने और थोड़ा इजी में बताया है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ। नेक्स्ट है डिविजनल। डिविजनल में वही आया, टॉप मिडिल लोअर वाला। फ्लैट के अंदर नॉर्मल लिख देते हैं कि सब एक ही है, जैसे टीम के अंदर होता है ना, जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में बॉलर की भी अपनी भूमिका है, क्रिकेट बैट्समैन की भी अपनी भूमिका है, क्रिकेटर अपने विकेट कीपर की भी अपनी भूमिका है, सबका रोल है। तो वो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आ गया, यानी सब कुछ एक ही है, बस एक कैप्टन होता है, एक लीडर होता है। बट डिविजनल के अंदर टॉप मिडिल लोअर ले लिया, ये डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मार्केटिंग का मैनेजर सेल्स के सुपरवाइजर को ऑर्डर दे सकता है, या सेल प्रोडक्शन का मैनेजर मार्केटिंग के सुपरवाइजर को ऑर्डर दे सकता है। जरा सा देख लेते हैं इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इस तरीके का, जैसे मैंने डिवीजन बना दिया, यहाँ पर मार्केटिंग का मैनेजर है, यहाँ पर उसका सुपरवाइजर है और यहाँ पर उसका लेबर है, ठीक है।
थोड़ा सा और बना दिया, यहाँ पर सेल्स का मैनेजर है, यहाँ पर उसका सुपरवाइजर है और यहाँ पे उसका लेबर है, यहाँ पर सेल्स के बाद प्रोडक्शन का बना दिया, यहाँ पर उसका सुपरवाइजर है, यहाँ पर उसका लेबर है। अब ये जो मार्केटिंग का मैनेजर है ये इसको भी ऑर्डर दे सकता है, प्रोडक्शन का सुपरवाइजर हेड इसको भी ऑर्डर दे सकता है, यानी कि सब जने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को हम कौन सा बोलते हैं, मैट्रिक्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर यानी बेसिकली किस तरीके के होते हैं, फ्लैट होता है, डिविजनल होता है, मैट्रिक्स होता है और एक हमारी बुक के अकॉर्डिंग फंक्शनल होता है। तो चार तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, बट डिफरेंट डिफरेंट बुक्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट दिए हुए है ना। इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर आता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है लाइन एंड स्टाफ। अब लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नॉर्मल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, मैं सब याद करवाते हुए चल रहा हूँ है ना आपको। अब ये मत समझना कि सर इतनी सारी थ्योरी थी हटा दी, इसलिए हटाइए क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो में इसको भर भर के समझाया, अभी केवल मैं आपको इसका कंसेप्ट बता रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो यहाँ पर और फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट करना ना भैया, हम बैठे हैं हम जवाब देंगे। देखिए सबसे पहले आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लाइन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि एक हेड है उसके अंडर में सुपरवाइजर है, ठीक है, और उस सुपरवाइजर के अंडर में क्या है, दो तीन लेबर वर्क कर रही है, मान लेते हैं दो लेबर वर्क कर रही है, ठीक है, ए और बी वर्क कर रही है, बी चलिए सी भी यहाँ पे वर्क करवा देते हैं। तो ये लाइन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, डिविजनल भी है और लाइन भी है। लेकिन जब मैं इसमें किसी क्वेश्चन को करने के लिए एक एक्सपर्ट की नियुक्ति कर देता हूँ, किसकी, एक्सपर्ट की, तो इसको हम लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोल देते हैं। कौन सा, लाइन एंड स्टाफ, स्टाफ का मतलब ही यहाँ पर एक्सपर्ट्स है, स्टाफ का मतलब यहाँ पर सुपरवाइजर या हेड से नहीं है, स्टाफ का मतलब किससे है, यहाँ पर एक एक्सपर्ट से। अब इससे होता क्या है, जब भी इन दोनों के बीच में कोई ग्रेवियंस हुआ, हेड और सुपरवाइजर की नहीं बनी, तो वो एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं। देखिए कि अपने क्रिकेट टीम के अंदर एक बॉलिंग कोच भी है, एक क्रिकेट कोच भी है और एक मेन कोच भी है, ठीक है, तो एक फील्डिंग कोच भी है और एक फिजियो भी है, तो ये सब क्या है, इनके बीच में कहीं ना कहीं हमने एक्सपर्ट जोड़ रखे हैं, तो ये लाइन एंड स्टाफ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आता है। तो इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट कंसेप्ट ऑफ द लाइन एंड स्टाफ रेफर्स टू द डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इंडिविजुअल डिपार्टमेंट हैव विद इन द कंपनी स्ट्रक्चर। स्टाफ में क्या होगा, डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल जाएगी। लाइन के अंदर तो एक डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे और स्टाफ के अंदर इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, ये कौन से होते हैं, सपोर्टिव रोल्स में होते हैं, एक तरीके के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया, क्या बताया, एक सेकेंड, अभी बताया, क्या बताया कि एक तरीके से अगर यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट है, मिडल मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट है, तो यहाँ पर अगर मैं किसी का नियुक्ति करता हूँ बीच में, तो सपोर्टिंग स्टाफ का ये हमारा स्टाफ कहलाएगा और यही कहलाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, ये एक्सपर्ट्स होते हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट क्यों करी जाती है, इनकी अपॉइंटमेंट इसलिए करी जाती है क्योंकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ग्रेवियंस कम से कम हो, फास्ट डिसीजन तो होगा नहीं क्योंकि दो से जल्द तीन हो गए तो फास्ट डिसीजन होता नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर डिसीजन के लिए हमको एक्सपर्ट लेना होता है। जैसे दो व्यक्ति कोई काम कर रहे हैं लेकिन बीच में अगर कोई एक्सपर्ट की अगर उसको राय मिल जाती है तो अच्छा डिसीजन मिल सकता है। तो यहीं पे लाइन एंड स्टाफ रिलेशन और इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, दोनों कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, दोनों का कम्युनिकेशन का काम होता है, कोऑर्डिनेशन होगा तो कम्युनिकेशन होगा ही होगा, और डिसीजन मेकिंग और चैलेंजेस फेस करने का काम किया जाता है। बस इतना ही याद करना है, लाइन एंड स्टाफ के बीच में रिलेशन क्या है, लाइन एंड स्टाफ का मतलब अभी अपन ने जस्ट समझा था ना, कहाँ गया, लाइन एंड स्टाफ का मतलब ये जो तीन आ गए हैं, टॉप मिडल और लोअर, टॉप मिडल और लोअर, वैसे बनता है इस तरीके से है पिरामिड टाइप, टॉप कम होते हैं, मिडल उनसे ज़्यादा और लोअर ये, इनके बीच में स्टाफ लगता है। तो इनका काम क्या है, आपस में कम्युनिकेट करना, डिसीजन मेकिंग करना, कोऑपरेशन करना, ग्रेवियंस सॉल्व करना, चैलेंजेस निपटना, यही तो सारे काम है इनके और यही रिलेशनशिप है इनका। ये होता क्यों है, एक तरीके का एक्सपर्ट अपॉइंट किया जाता है जो आपको किसी भी पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेना हो या कोई डिफिकल्टी आ रही हो, कोई चैलेंजेस आ रहा हो वर्किंग के अंदर, तो वो हेल्प करता है। तो क्या स्टाफ हमेशा परमानेंट होते हैं, समटाइम्स परमानेंट आते हैं और समटाइम्स नहीं भी होते, थर्ड पार्टी हम माइग्रेशन कर लेते हैं,
आजकल तो थर्ड पार्टी ज़्यादा चलता है, लेकिन लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं। यानी रूटीन वर्क के लिए तो एक स्ट्रक्चर होता ही है, बट आपको एक्सपर्ट, अगर कहीं पर कोई डिफिकल्टी आती है तो एक एक्सपर्ट होता है। जैसे कि आप कह सकते हो कि कंप्यूटर अगर सही से चल रहा है तो बॉस है, सुपरवाइज़र है, लेकिन अगर कंप्यूटर में कोई दिक्कत आई, हैंग हुआ, तो आपके पास IT टीम का कोई बंदा है जो वहाँ पर सॉल्व करने के लिए। तो वो एक तरीके का छोटा एग्जाम्पल लिया। इसी तरीके से कोई कंपनी में चैलेंजेस आता है तो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उसको सॉल्व करता है। आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। लाइन एंड स्टाफ वाला तो बहुत ज़्यादा बार देखा है मैंने एग्जाम के अंदर। तो अच्छे से तैयारी करना, पेपर लेंदी रहेगा, हाथ थोड़ा तेज चलाना। जय हिंद।